भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनकी पत्नी शीला धूमल, सांसद पुत्र अनुराग ठाकुर, उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे अरुण धूमल ने परिवार सहित मतदान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बात करते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कमल खिल रहा है तथा निश्चित तौर पर भाजपा के प्रति जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है उससे ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास की राहें खुलेंगी। निश्चित तौर पर 60 प्लस अचीव करेंगे, पहले 50 प्लस की बात कही थी, लेकिन जैसा समर्थन सब वर्गों का मिल रहा है इसके बाद लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार रिकॉर्ड बहुमत के साथ बनेगी। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने परिवर्तन के लिए तथा प्रदेश में अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में माफिया राज, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा है, हिमाचल को लूटकर खोखला किया गया है, उससे लोग दुखी हैं तथा कांग्रेस 8 और भाजपा 60 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। मैंने मतदान किया है परिवर्तन के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए। प्रदेश में कांग्रेस के राज में माफिया राज, भ्रष्टाचार, अपराध जो बढ़ा है, हिमाचल को लूटकर जो खोखला किया गया है, उससे हिमाचल को मुक्त कराने के लिए, माफिया राज मुक्त हिमाचल, कांग्रेस मुक्त हिमाचल करवाने के लिए मैंने मतदान किया है। और प्रदेश के बड़े वर्ग ने कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए और अपराध की भूमि का टैग जो हिमाचल को मिला उससे मुक्ति पाने के लिए भाजपा का समर्थन किया है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव जहां भाजपा ने 50 प्लस का एक टारगेट रखा था, ये भाजपा 60, कांग्रेस 8 तक सीमित रह जाएगी। बंदी के बाद पूरे देश ने मोहर लगाई, मोदी जी ने काले धन के खिलाफ कार्रवाई की, लोगों ने समर्थन किया। चंडीगढ़ में 22 में से 20 सीटें भाजपा जीती, उत्तराखंड में 70 में से 57 जीती, उत्तर प्रदेश में 404 में से 325 सीटें भाजपा जीती, दिल्ली के तीनों नगर निगम जीते और यूपी में तो कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई। अब हिमाचल की बारी है, भाजपा की सरकार आने की तैयारी है।